दोस्तों, अगर आप लोगों का गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है तो इससे आपके चैनल का मोनेटाइजेशन भी बंद होता है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों की तीन क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों का गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है, चाहे वो इनवैलिड एक्टिविटी के वजह से होता है या किसी भी वजह से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है, तो फिर अगर आप लोग अपनी इस गूगल एडसेंस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करोगे तो क्या आप लोग सेम नेम और सेम आईडी कार्ड के ऊपर एक न्यू गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो या नहीं। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों का गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है और आपका मोनेटाइजेशन बंद होता है, तो आप लोगों की जो लास्ट महीने का पेमेंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा या नहीं। एंड थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है तो इससे आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो भी बंद होता है। तो अगर आप लोग अपनी इस चैनल के लिए एक न्यू गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करोगे और आप इसको अपनी इस चैनल के साथ लिंक करोगे तो क्या आपका मोनेटाइजेशन वापस री एनेबल होगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गूगल एडसेंस अकाउंट ज्यादातर दो तरह से डिसेबल होते हैं, नंबर वन टाइम के लिए, नंबर टू परमानेंट। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट टाइम के लिए सस्पेंड किया हुआ है, यानी डिसेबल किया हुआ है टाइम के लिए, तो फिर आप लोगों ने वेट करना है। कुछ लोगों का गूगल एडसेंस अकाउंट सिर्फ 30 दिन के लिए डिसेबल करते हैं, कुछ लोगों का 3 महीने के लिए और कुछ लोगों का 6 महीने के लिए। तो जितना टाइम गूगल एडसेंस वालों ने आप लोगों को दिया हुआ है उतना आप लोगों ने वेट करना है। उसके बाद वो खुद आपके अकाउंट को रीएक्टिवेटेड करेगा और आपका चैनल वापस से मोनेटाइज होगा। लेकिन अगर आप लोगों का गूगल एडसेंस अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हुआ है, तो फिर आप लोग अगर इस चैनल के साथ एक न्यू गूगल एडसेंस अकाउंट बनाओगे और इसको लिंक करोगे, तो फिर आप लोग इस चैनल को दोबारा से मोनेटाइज भी नहीं करोगे और आप इससे अर्निंग भी नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आप लोगों का गूगल एडसेंस अकाउंट जिस चैनल के साथ अटैच है और वो डीमोनेटाइज होता है और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है, तो फिर आप उस चैनल के साथ अगर दूसरा कोई एडसेंस अकाउंट लिंक करोगे तो वो आपके चैनल को वापस से मोनेटाइज नहीं करेंगे। आपका चैनल डीमोनेटाइज रहेगा और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट परमानेंटली डिसेबल होता है, अब अगर इसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो और फिर आप अपनी सेम नेम के ऊपर, सेम एड्रेस, सेम आईडी कार्ड के ऊपर एक न्यू गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो, तो क्या आप बना सकते हो या नहीं। बिल्कुल आप बना सकते हो, लेकिन पहले जो आप लोगों ने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है, जो आपका डिसेबल हो चुका है, तो उसको आप लोगों ने परमानेंटली डिलीट करना है। जब वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, इसके बाद आप लोग एक न्यू गूगल एडसेंस अकाउंट सेम नेम, सेम एड्रेस एंड सेम आईडी कार्ड के ऊपर बना सकते हो। और अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट परमानेंटली डिसेबल होता है या टाइम के लिए डिसेबल होता है, तो जो लास्ट महीने का पेमेंट होता है वो आपको मिलता ही या नहीं। बिल्कुल मिलता है। और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक चैनल तो सलीम कामरेड के नाम से है। अब मैंने उसका नाम जो है वो डीमोनेटाइज सलीम कामरेड रखा हुआ है, क्योंकि वो चैनल अब डीमोनेटाइज हुआ है, इसका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ है इनवैलिड एक्टिविटी के वजह से। तो जब मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ था, उस टाइम मेरा रेवेन्यू बन चुका था उस महीने का $142। अब $142 मेरा अर्निंग हुआ था, लेकिन वो मुझे उसी महीने नहीं मिला था, वो मुझे अगले महीने मिला था। तो आप लोगों ने 1 या 2 महीनों के लिए वेट करना है, इसके बाद वो आपको अपना रेवेन्यू जो है वो सेंड करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में वो रेवेन्यू आता है। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल भी होता है, तो जो लास्ट महीने का पेमेंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट टाइम के लिए डिसेबल होता है, तो फिर आप लोगों ने वेट करना है, चाहे 1 महीना है, 2 महीने या 6 महीने, जितना आप लोगों से गूगल एडसेंस वाली कहते हैं उतना आप लोगों ने वेट करना है। एंड अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट परमानेंटली डिसेबल होते हैं और आप इस चैनल के साथ एक न्यू गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक करोगे, तो आपका चैनल दोबारा से मोनेटाइज नहीं होगा और आपका जो न्यू एडसेंस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट परमानेंटली डिसेबल होता है या टाइम के लिए डिसेबल होते हैं, तो आपका जो लास्ट महीने का पेमेंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, और मुझे भी इस तरीके से मिल चुका था। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आल पर प्रेस करें, क्योंकि गाइस आप लोगों को आगे भी इस चैनल पर इस तरह से हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो चले गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।